गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद माय न्यू रेसिपी ड्रिंकिंग चॉकलेट। सो गाइस ये यम्मी सी टेस्टी सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। एंड उससे पहले ये रही हमारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, तो गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो और रेसिपी की तरफ। तो गाइस सबसे पहले मैंने लिया 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। तो गाइस कोको पाउडर आप अपने कोको पाउडर के हिसाब से लेना, आपका कौन सी कंपनी का है, क्योंकि कुछ कोको पाउडर में पहले से थोड़ी सी स्वीटनेस होती है, तो मेरे में स्वीटनेस नहीं थी तो मैंने शुगर ज़्यादा डाल के उसे बैलेंस आउट किया। मैंने 2 टेबल स्पून शुगर डाला और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाला। कॉर्नफ्लोर हमारे ड्रिंकिंग चॉकलेट को थिकनेस देगा, इसलिए मैंने डाला। थोड़ा सा मैंने उसमें दूध डाल के इसे मिक्स किया। फ्लेम को ऑफ ही रहने देना है, जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए तब हम फ्लेम को ऑन करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसे अच्छे से थोड़ी देर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला 1 गिलास हमारा दूध, ठीक है। तो दूध डालते ही मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया और इसे मिक्स करते रहना हमें, ताकि ये नीचे लगे ना। तो बस और क्या, हमें इसका सिर्फ 1 बॉयल आना है, ठीक है। तो 1 बॉयल आने के बाद हमें इसे ठंडा होने देना है। गर्म पीना है, गर्म पियो, वैसे गर्मियों का मौसम है तो ठंडा ही अच्छा लगेगा। लेकिन 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 बॉयल आने के बाद हमें इसमें डालना है कोई भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चॉकलेट। मैंने डेरी मिल्क का यूज़ किया है, आप कंपाउंड चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 10 रुपी वाला डाला है, आप 20 वाला भी डाल सकते हो इसे ज़्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर मैंने इसे 1 मिनट ना घुमा दिया अच्छे से, फ्लेम को मैंने ऑफ ही कर दिया था, तो इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। मैंने ढेर सारी बर्फ़ ली, उसे अपने ग्लासेस में डाल लिया और फिर इसे उसमें डाला, ठीक है। तो गाइस ट्राई करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय गाइस।